भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म बॉर्डर का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद निरहुआ की खूब वाहवाही हो रही है और उससे भी ज्यादा खेसारी लाल यादव की वाहवाही हो रही है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इस ट्रेलर रिलीज को हिट बनाने में खेसारी का बहुत बड़ा योगदान है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, क्योंकि फिल्म में तो दिनेश लाल यादव निरहुआ है, संजय पांडे हैं, आम्रपाली दुबे हैं, प्रवेश लाल यादव हैं, विक्रांत राजपूत हैं, आदित्य ओझा हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए। हम आपको बताते हैं कि खेसारी लाल यादव आपको दिखेंगे नहीं, सुनाई देंगे। जी हाँ, पहली बार भोजपुरी में निरहुआ को खेसारी लाल यादव ने फिल्म में एक रोमांटिक नंबर पर आवाज दी है। फिल्म के ट्रेलर का जो पहला गाना आप देख रहे होंगे, जो निरहुआ और आम्रपाली पे फिल्म आया गया है, उसे आवाज खेसारी लाल यादव ने दी है। यह गाना सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और कर्णप्रिय भी है। इसके पीछे की कहानी हम आपको नहीं बताएंगे तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि आपसे कुछ भी छुपाना ये हमारी फितरत में ही नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं तब जब खेसारी लाल यादव की पहली फिल्म साजन चले ससुराल रिलीज हुई थी। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको ये भी बताते हैं कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ निरहुआ की वजह से रिलीज हुई। अगर निरहुआ नहीं होते तो खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव नहीं हो पाते। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम बताते हैं कैसे। खेसारी की पहली फिल्म साजन चले ससुराल के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था। जब ये बात निरहुआ को पता चली कि फिल्म के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा है, तो निरहुआ ने 5 लाख रुपए देकर यह फिल्म रिलीज करवाई। और यह फिल्म रिलीज होते ही उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और खेसारी की तकदीर बदल गई। और अब इसी एहसान का बदला खेसारी ने निरहुआ की फिल्म में गाना गाकर चुकाया है। निरहुआ के एक बात पर ही खेसारी गाना गाने के लिए तैयार हो गए और इस फिल्म में खेसारी के गाना गाने से फिल्म का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि खेसारी की फैन फॉलोइंग आज भोजपुरी सिनेमा में सबसे अधिक है और इस फैन फॉलोइंग को निरहुआ बॉर्डर की सफलता में भुनाना चाहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।